हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रेलवे ग्रुप डी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे कैंडिडेट नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले हैं और रेलवे ग्रुप डी वाले ही हैं। तो आप चाहो तो ग्रुप के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। आर के स्टडी फॉर जॉब आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसको सर्च करके भी जुड़ सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग प्रोसेस इतना स्लो क्यों हो रहा है। हालांकि स्लो नहीं है, ज्वाइनिंग प्रोसेस अपने हिसाब से ठीक चल रहा है, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का ये कमेंट है। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट है मेरी वीडियोस पर वो है सेकंड डीवी को लेकर के, कि सेकंड डीवी कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा, कितने दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या सेकंड डीवी आएगा भी या नहीं आएगा। इन सभी के जवाब देने वाला हूँ आपको आज इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं क्रोम में, और क्रोम में मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट अब तक की क्या रही है ग्रुप डी वालों की तरफ से, ठीक है, फिर मैं आपको ये सारी बात बताने वाला हूँ। बाकी जुड़े रहेंगे सभी के सभी चैनल के साथ, सभी नए जितने भी कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि लेवल वन की रिगार्डिंग लास्ट अपडेट जो थी वो क्या है और कब की है, तो वो आप देखेंगे। ये रही लास्ट अपडेट 24/5/2023। 24/5/2023 को फाइनली क्या हुआ था, आपका जो स्टेटस था वो अपडेट हुआ था। किस चीज़ का स्टेटस? आपके पैनल का। बहुत सारे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी वो इस स्टेटस में उनको भी सीट अलॉट हो गई थी, यानी पोस्ट अलॉट हो गई थी। तो इसके बाद से कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है ऑफिशियली, ठीक है। तो अब ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है तो भाई अब क्या चल रहा है अभी तक आरआरसी में? तो आरआरसी दिल्ली में जॉइनिंग चल रही है। आपको पता ही होगा जॉइनिंग जो है, लोगों के बहुत सारे कैंडिडेट को जॉइनिंग मिल भी गई है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जॉइनिंग लेटर जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरे दोस्तों जॉइनिंग लेटर जिनके पास भी नहीं आया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक जॉइनिंग लिस्ट आ जाएगी। अब तक आ गई है जून तक की शायद, है ना, जिसमें आप सभी को पता है कि आपको कब कब जाना है। जैसे ही उसकी डेट ख़त्म होने वाली होगी उससे पहले ही एक और लिस्ट वो आपको अपलोड करके दे देंगे, यानी आपके मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ईमेल आना शुरू हो जाएगा। ये भी जो लिस्ट आई थी वो ईमेल के थ्रू ही आई थी, किसी वेबसाइट पर ये लिस्ट नहीं है कि आपको कितने तारीख में जाना है, ठीक है। तो बाकी के जो कैंडिडेट बचे हुए हैं जो कह रहे हैं कि ना तो हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आया है ना ही हमारे पास कोई लिस्ट आई है, तो उन सभी के पास लिस्ट का मेल या फिर जॉइनिंग इसी महीने में आपके पास चला जाएगा, यानी इसी महीने के लास्ट वीक तक आप सभी के पास में ये अपडेट आ जाएगी जॉइनिंग को लेकर के, ठीक है। तो ये तो बात है उनकी, जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉइनिंग लेटर या फिर जॉइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैं वीडियो कई सारी बना चुका हूँ, आप चाहो उन सभी को देख सकते हो हमारे चैनल के इसी में जाके, आप नीचे देख लेना पुरानी वीडियोस, बहुत सारी इस टॉपिक पर मैं बना चुका हूँ। डॉक्यूमेंट कैसे कैसे कौन कौन से कहाँ कहाँ लग रहे हैं, दिल्ली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब बात कर लेता हूँ सेकेंड डीवी की। तो सेकेंड डीवी कब आएगा जी? तो सेकेंड डीवी अभी मेरे भाई अटका हुआ है, अभी जब तक फर्स्ट की जॉइनिंग, यानी मुझे लगता है इस साल के अंदर, यानी इस साल का मतलब कि करीब करीब अगस्त सितंबर तक तो ये जॉइनिंग प्रोसेस का ही मामला क्लियर होगा। अच्छा, जॉइनिंग वालों को कुछ एक्सटेंशन वाले भी हैं कैंडिडेट जो एक्सटेंशन ले रहे हैं और एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों एक्सटेंशन मिल रहा है, अगर कोई लेना चाहता है
एक्सटेंशन तो मिल रहा है एक्सटेंशन, वो ले सकता है 6 महीने एवं मोस्टली 6 महीने तक का एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। कुछ कंडीशन में आपको 1 साल तक का भी एक्सटेंशन मिल रहा है, 1 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलता है। 90% आपको 6 माह का एक्सटेंशन मिलता है और कुछ दशाओं में आपको 1 साल तक का भी एक्सटेंशन मिलता है। उम्मीद है ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे एक्सटेंशन वाले। जो लोग नहीं जानते हैं एक्सटेंशन क्या है तो मैं बता देता हूँ, एक्सटेंशन का मीन्स है कि हम अभी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, हम कुछ दिन बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। आप कहेंगे तो मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको क्या क्या देना होगा, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी अगर किसी को अलग फिर कभी ज्वाइन करना है, तो एक्सटेंशन के बारे में भी मैं उनको बता दूंगा किस तरीके से वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप चाहो तो कमेंट कर दीजिएगा अगर इस पर वीडियो चाहते हैं तो। तो सेकंड डीवी की मैं बात कर रहा था मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड डीवी आने में अभी थोड़ा और समय लग जाएगा। सेकंड डीवी आपका सितंबर अक्टूबर तक जाएगा मेरे दोस्त, सितंबर अक्टूबर या इससे भी लेट ये हो सकता है, क्योंकि अभी जो ज्वाइनिंग है वो धीरे धीरे चल रही है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग जो है आपकी वो धीरे धीरे चल रही है, तो अभी ज्वाइनिंग में मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक ये लास्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी और उसके बाद फिर आपका सेकंड डीवी लगाया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको मोस्टली अक्टूबर मान के चलो, अक्टूबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अभी सेकंड डीवी के लिए फ़िलहाल की अपडेट के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वो अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट सेकंड डीवी के रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इसको भी आप हल्के में ना लें। आप अब तक मेरे चैनल पर देखते आए होंगे, ज़्यादातर मेरी जो जानकारी होती हैं कुछ ना कुछ उनका सत्य उनमें कुछ ना कुछ होता है, और किसी ना किसी कारणवशी मैं कोई वीडियो आपके लिए डालता हूँ, तो ये भी बात बिल्कुल सच है। अभी तक मेरे जो कानों में खबर मुझे मिल रही है धीरे धीरे यानी इधर उधर से, तो वो अक्टूबर की मिल रही है। थोड़ा सा आप विश्वास रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े भी रहिएगा, बहुत जल्द आपको सेकंड डीवी के बारे में एकदम सटीक जानकारी भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी के लिए आप अक्टूबर तक का इंतज़ार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे सभी दोस्तों के लिए और ऑल द बेस्ट जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है या जिनको मिलने वाली है उन सभी के लिए। इसके अलावा अगर आपका किसी और कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं, किसी का विचार है वो कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव है कुछ भी आप जो डाउट कोई प्रश्न कोई, तो वो सभी आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा उन सभी कमेंट के उत्तर देने की। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी मैं नहीं पढ़ पाया हूँ जो कि पहले वीडियोस पर पड़े हुए हैं, अभी भी नहीं पढ़ पाया हूँ मेरे प्यारे दोस्त। आज सभी के कमेंट के आंसर मैं देने वाला हूँ, तो आज आप कमेंट कर सकते हैं और जो पुराने कमेंट हैं उनको भी आज मैं पढ़ने वाला हूँ। आज बड़े आराम से मैं सारे कमेंट के जवाब आपको देने वाला हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।